अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे यूट्यूब चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन के होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर सम मोर डोज ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। आप में से हर कोई पैसा कमाना चाहता होगा या कमाता भी होगा। कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं तो कुछ कम, लेकिन इन दी एंड हर कोई अपने कमाए हुए पैसों को सेव करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी डेली लाइफ में हमारे कमाए हुए पैसे कब कहाँ खर्च हो जाते हमें पता भी नहीं चलता है, और इसी अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड एक्सपेंसेस की वजह से कई बार हम बराबर से सेविंग भी नहीं कर पाते। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो या मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि मैंने पैसों से रिलेटेड अपने चैनल पे बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, और उन्हीं पैसों से रिलेटेड वीडियो में मैंने सेविंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 6 सेविंग के टिप्स बताए थे। ये टिप्स बहुत ही सिंपल थे और जिसकी हेल्प से कोई भी आदमी आसानी से सेविंग कर सकता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, या उस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए। अब अगर आपकी मंथली इनकम कम है लेकिन आप ज्यादा सेविंग करना चाहते हो तो मेरे आज के वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सेविंग से रिलेटेड और 4 इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। इन टिप्स की हेल्प से आप कम सैलरी होने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, ईट बिफोर शॉपिंग। नॉर्मली जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो एंड स्पेशली अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 4-5 घंटे आप शॉपिंग में स्पेंड कर ही देते हो, और फिर इतना टाइम शॉपिंग करने के बाद आपको या आपके फैमिली और फ्रेंड्स को अनएक्सपेक्टेड भूख लगने लगती है, और फिर इस अनएक्सपेक्टेड भूख को मिटाने के लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही कुछ खा लेते हो। अब फ्रेंकली कहूँ तो इस अनएक्सपेक्टेड भूख को मिटाने के लिए आप जो भी बाहर खाते हो उसमें नुकसान आपका ही है। एग्जाम्पल, अनएक्सपेक्टेड भूख को मिटाने के लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का जंक फूड खाते हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। जब आप बाहर का खाना खा लेते हो तो आप घर आके कुछ नहीं खाते हो जिसकी वजह से घर पे बना हुआ खाना बच जाता है या कई बार वेस्ट हो जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शॉपिंग करने के बाद जो पैसे बचते जिसे आप इजीली सेव कर सकते हो उसे आप बाहर के खाने में स्पेंड कर देते हो, या ऐसा कहो कि बाहर का खाना खा के आप सेविंग किए हुए पैसों को वेस्ट कर देते हो। इसलिए शॉपिंग में जाने से पहले आप कोशिश करो कि आप घर से ही कुछ अच्छा खासा खा के निकलो, और मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप लंच के बाद या इवनिंग स्नैक के बाद शॉपिंग के लिए निकलो, सो दैट आप अनवांटेड भूख और उसमें स्पेंड होने वाले अनवांटेड एक्सपेंसेस को अवॉइड कर सको और अपनी सेविंग को भी इजीली ग्रो कर सको। नंबर 2, अवॉइड एडवर्टाइजमेंट। इंडिया में 90% से ज्यादा लोग हर रोज टीवी देखते हैं, और टीवी पे आप जब भी कोई चैनल लगाते हो तो अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको हर चैनल पे ज्यादातर टाइम एड देखने को मिलती है। आज जितनी भी टॉप ब्रांड कंपनीज है वो अपना 60% फाइनेंस मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देती है। भले ही उनका प्रोडक्ट इतना खास नहीं होगा लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को बार बार ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके कस्टमर के अट्रैक्शन को ग्रैब कर ही लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक सर्वे किया गया था जिसके रिजल्ट में ये पता चला था कि 4 में से 2 कस्टमर एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं। और हो सकता है आपने भी कई बार ऐसा प्रोडक्ट खरीदे होंगे जो एड में दिखता कुछ और है पर रियलिटी में होता कुछ और है, और फिर इन एड में दिए हुए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप उन पैसों को खर्च कर देते हो जिसे आप एक्चुअली में बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हो। इसलिए अगर आप अपनी सेविंग को ग्रो करना चाहते हो तो फालतू के प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड फालतू के एडवर्टाइजमेंट को टोटली अवॉइड करो। एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप ये सोचो कि क्या आपको उस प्रोडक्ट की सच में जरूरत है, क्या ये प्रोडक्ट सच में वर्थफुल है, और क्या आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से कैसे रोके ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में एकदम डिटेल में बताऊंगा। नंबर 3, द 30 डेज रूल। मेरा एक फ्रेंड है जो iPhone 7 यूज करता है। उसने वो iPhone 7 7 महीना पहले ही खरीदा है। देखा जाए तो उसके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका फोन एकदम परफेक्ट चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं उससे मिला तो उसने मुझसे कहा कि वो नेक्स्ट वीक iPhone 10 लेने वाला है। मैंने उससे कहा, ब्रो तूने 7 महीना पहले ही तो iPhone 7 लिया है और तेरे फोन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो तू फिर नया फोन क्यों ले रहा है। उसने कहा, वो तो ठीक है यार, लेकिन iPhone 10 की एड देखने के बाद एंड स्पेशली उसके फीचर्स मालूम होने के बाद मुझे वो फोन लेना ही है। अब जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया, मेरा फ्रेंड बस एड से इन्फ्लुएंस होके वो iPhone 10 को खरीदना चाहता था। मैंने उससे कहा, ठीक है तू iPhone 10 तो ले, लेकिन 1 महीने बाद। उसने पूछा, क्यों?
मैंने कहा तू एक महीने तक आईफोन 7 यूज कर और साथ ही साथ ये सोच कि क्या तुझे आईफोन 10 सच में लेना चाहिए, क्या तुझे उसकी सच में जरूरत है और क्या आईफोन 10 के न्यू फीचर सच में तेरे कुछ काम के है। उसने कहा ठीक है डन। 15 दिन बाद मैं अपने उस फ्रेंड से फिर से मिला और उससे पूछा क्या डिसीजन लिया तूने। उसने कहा कि वो अभी 50-50 कंडीशन में। फिर एक महीने बाद जब मैं उससे मिला तो उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था। उसने मुझसे खुद कहा कि वो बस एड से इन्फ्लुएंस होके उस प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच हो गया था, पर रियलिटी में आईफोन 10 उसके कोई काम का नहीं था। फिर उसने मुझसे कहा कि आईफोन 10 में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि वो किसी सही जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा सो डेट उसे रिटर्न में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। अब जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में कहा, हर टाइप की एड डेली हमें अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते रहती है, इसलिए एड से इन्फ्लुएंस होके कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप 30 डेज रूल को फॉलो करो और इन 30 डेज में आप एकदम डीपली एनालाइज करो कि क्या आपको वो प्रोडक्ट सच में खरीदना चाहिए। आई एम श्योर 90% चांसेस ये है कि 30 डेज के बाद आपका डिसीजन चेंज हो गया होगा और आप उस प्रोडक्ट में पैसा वेस्ट करने की जगह उसे सेव करना शुरू कर दोगे। नंबर 4, एक्सपेंस रिड्यूसिंग गोल। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि सेविंग को ग्रो करने के लिए इनकम को ग्रो करना जरूरी है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा सेविंग होगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जब आपकी इनकम ग्रो होती है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं, और अगर आपने डीपली नोटिस किए होंगे तो इनकम के ग्रो होने के बाद भी आपकी सेविंग उतनी ग्रो नहीं हो पाती है। इसलिए सेविंग को ग्रो करने के लिए इनकम को ग्रो करने की जगह अपने एक्सपेंसेस को कम करो। अगर आपके लास्ट मंथ की एक्सपेंस 5,000 थी तो ट्राई करो कि आपकी नेक्स्ट मंथ की इनकम 5,000 से कम हो, क्योंकि जितनी कम आपकी एक्सपेंस होगी उतनी ज्यादा फास्ट आपकी सेविंग ग्रो होगी। और आप अपने एक्सपेंसेस को तभी रिड्यूस करोगे जब आप अपने अनवांटेड खर्चे और अनवांटेड प्रोडक्ट को टोटली अवॉइड करोगे। एक बात हमेशा याद रखना कि इनकम रेगुलरली ग्रो नहीं होती है, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस को रेगुलरली कम कर सकते हो। सो टू कंक्लूड, ये थी वो 4 सिंपल सेविंग टिप्स जिसकी हेल्प से आप कम सैलरी होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सकते हो। और अगर आप मेरे सेविंग से रिलेटेड पहले के वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आप मेरे एक भी वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यहाँ पे क्लिक करके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेव मनी टू सेव योर फ्यूचर।